We celebrate small little occasions also of life, be it the nature of festival, that is beginning of the spring season, and we look forward to bestowing each and every human being in this world with wisdom and knowledge. May Goddess Saraswati empower each and every one of this country with this magical festivity that begins from today. And we are bestowed with inner peace, harmony with ourselves, harmony with our nature to progress in life. Knowledge just does not mean only gaining bookish knowledge. It is something where we are able to
have harmony between our thought process and the progress of each one and the progress of the country. Let's celebrate this festival, though you are not here in school, but with the same jest that we have been doing for years together. God bless you all. Thank you.
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप सबको वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की मुबारक। आज सरस्वती पूजा है, इसलिए मैं आपसे सरस्वती और सरस्वती पूजा के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। सरस्वती विद्या की देवी है, तो सरस्वती का रूप जो है वो बिल्कुल वैसा है जैसा हम विद्या अर्जन करने के लिए हमारे अंदर होना चाहिए। इसलिए सरस्वती को ऐसा शेप दिया गया है, ऐसा रूप दिया गया है। तो मैं आपको कुछ उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले आप देखिए, सरस्वती की चार भुजाएं हैं, चार हाथ हैं। एक हाथ में जो है वो किताब है, इसका मतलब आपको सरस्वती बनने के लिए किताबें पढ़ने की जरूरत है। जितना ज्यादा हो सके उतनी किताबें पढ़िए, तो आपको वहां से विद्या मिलेगी, किताबों से ज्ञान मिलेगा। अब दूसरे हाथ में क्या है उनके, दूसरे हाथ में जो है वो माला है जिसको वो जपती रहती है। तो आप जो पढ़ाई करें किताब से उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और बाकी दोनों हाथ जो है उनके वो वीणा पकड़े हुए हैं। वीणा जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो सरस्वती जो है वो वीणा बजाते रहती हैं। इसका मतलब आपने जो पढ़ाई की किताब से और जिसका रिविजन किया, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें अपने लाइफ में, उसको बजाएं, वीणा बनाएं कि उससे धुन निकले, तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई काम हो दुनिया में, कोई एप्लीकेशन हो। अब सरस्वती जो वस्त्र धारण करती हैं, दैट इज वाइट, सफ़ेद कपड़े पहनती हैं वो, तो सफ़ेद का मतलब होता है पीस, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी। तो ये सारी क्वालिटी हम में होनी चाहिए, बोरोइंग इट फ्रॉम द कलर वाइट। एंड सरस्वती जो है वो कमल के फूल पे बैठती है। कमल का फूल, कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में खिलता है। तो कीचड़ से ऊपर आकर जब कमल आप बनेंगे तो उस पे सरस्वती बैठ पाएंगे। तो ये ही सरस्वती का रूप है, और इसी को हम ध्यान में रखते हुए सरस्वती की पूजा करते हैं, सरस्वती की उपासना करते हैं, और ये सारी क्वालिटीज हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी आए। तो सरस्वती पूजा की आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरस्वती आपको बहुत आगे लेके जाए, पूरी दुनिया में ज्ञान बटे, प्यार फैले, और हिंसा और नफरत ये सब का नाश हो, ये सब दूर हो, और ये ज्ञान से ही हो सकता है जो हम सरस्वती से ले सकते हैं। ईशारदे मां, ईशारदे मां।
Basant Panchmi children, my wishes are that Ma Saraswati bless you with lots of good health first, happiness and lots of success in life. प्यारे बच्चों, इस बसंत पंचमी माँ सरस्वती आपको हर वो विद्या दे जो आपके पास नहीं है, और जो विद्या है उस पर इतनी चमक दे जिससे कि आपकी दुनिया चमक दे। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। Ah.
वसंत भी धरती पर उतर आया जीवन की तरंग और जीवन के उल्लास के साथ। खेत खलियान बाग बगीचे खिल उठे हैं, होली के गीत गूंजने लगे हैं, मगर अभी तो सर्दी का समय है। तुम इतनी जल्दी धरती पर कैसे आई, किसी ने धीरे से वसंत से पूछा। तब पांचों ऋतुएं प्रकट हुई और बोली, वसंत के सौंदर्य से प्रभावित होकर हमने अपने 8-8 दिन वसंत को दे दिए, इसीलिए वसंत का आगमन धरती पर 40 दिन पहले हो जाता है। सद्गुणों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये हमें कुदरत से सीखना है। कुदरत को बचाना है, नदी झरनों को बचाना है, खेतों खलिहानों और उन्हें संवारने वालों को बचाना है, तभी हम धरतीवासी इस सुंदर ऋतु चक्र का आनंद उठा पाएंगे। वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Yeah.